हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हीर छाबरिया। आज का ये वीडियो जो है हमारा दर्श अमावस्या का स्पेशल वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे दर्श अमावस्या इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, कब होती है, इस पूजा को कैसे करना चाहिए और दो या तीन उपाय कि किस तरह से क्या करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा और इस अमावस्या के बहुत ज़्यादा अच्छे फल आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो दर्श अमावस्या जो आ रही है वो है 6 मार्च 2019 को। दर्श अमावस्या का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है? दर्श अमावस्या के दिन कोई भी इंसान अगर साफ मन से, साफ दिल से पूजा करे, उपास करे, चांद की पूजा करे, तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सुख समृद्धि घर आने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। इसी के साथ साथ शांति जो मिलती है और जो सब्र मिलता है वो इस दिन पूजा रखने से, साफ दिल से, हर चीज़ मांगने से मिल जाती, क्योंकि इस दिन चांद का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। कई लोगों का मानना ये भी है कि हमारे पूर्वजों के लिए जब पूजा करते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी पूजा या उनके लिए कोई मनोकामना मांगे या उनकी शांति के लिए अगर पूजा करें, पूरी तरह से एक्सेप्ट करी जाती है। और ऐसे ही जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें मोक्ष भी इस पूजा के करने के बाद मिलता है। इस पूजा को करने की कुछ सामग्रियाँ होती हैं वो ये, गाय के घी का दिया लगाते हैं, इत्र यूज़ करते हैं, सफ़ेद रंग के फूल लेते हैं, पंचामृत लेते हैं, चावल लेते हैं और चंदन लेते हैं। इन सभी को साथ में मिला करके पूजा करते हैं और फिर थोड़ा सा भोग, बाद में पूजा होने के बाद थोड़ा सा भोग होता है, वो कोई भी गरीब औरत को दिया जाता है। तीन चीज़ें करने से इस दिन में बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो घर को पूरी तरह से साफ करना है गंगा जल से। घर के चारों कोनों में, आपके कोई भी रूम में, हॉल में, जो भी कोने आपके घर में, चारों जगहों पे गंगा जल छिड़कना है। उसी के साथ साथ पूरा घर साफ रखना है। जैसे हम दिवाली की सफाइयाँ करते हैं, हर कूड़ा कचरा घर से बाहर निकाल देते हैं, सारी टूटी फूटी चीज़ें निकाल देते हैं, अनवॉन्टेड चीज़ें निकाल देते हैं, वो सारी की सारी घर से बाहर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको घर में खीर बनानी है, सफ़ेद चावल की खीर बनानी है। उसमें कोई भी कलर नहीं ऐड करना है, ना केसर ऐड करना है, ना कुछ और ऐड करना है, बस सिंपल सफ़ेद खीर बनानी है और वो शाम के वक्त पे पीपल के पेड़ के नीचे रखनी है। ये एक तरीका है हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को वो चीज़, वो खीर ऑफर करने का, जिससे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी कष्ट आ रहे हैं, अड़चनें आ रही हैं, काम नहीं पूरे हो रहे हैं, या आपको लगता है आपका घर का कोई इंसान या कोई सदस्य घड़ी घड़ी बीमार पड़ रहा है, तकलीफ़ें आ रही हैं, किसी भी मछारे के पास अगर आप जाते हो जहाँ से मच्छियाँ मिलती हैं, दो जिंदा मच्छियाँ उस मछारे से या मच्छारन से लेकर के वापस से तालाब में, पानी में डाल देनी है। उन्हें लिटरली, जैसे कहते हैं ना, जीवन दान देना है। इसको करने से राहु केतु दोनों के सारे कष्ट निकल जाते हैं और पूरी तरह से पुण्य आपके पास मिलता है। आप सभी को एडवांस में दर्श अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिस वॉज मी हीर छाबरिया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।